धनिया मैंने वॉश करके यहाँ फैला दिया था, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से अब खुश्क हो चुका है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। इसे मैं अब कट करके, तो जो लोग वीडियो मेरी शुरू से देख रहे हैं उनको पता है कि मैं जो धनिया है मैं फ्रीज़ करती हूँ, तो ये मैंने इसे फैला दिया था अच्छे तरीके से धो के। तो देखिए बिल्कुल मुरझाया भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है। बस अभी मैं इसे काट के, तो इसे मैं जिप बैग में ना फ्रीज़ कर दूंगी, तो मेरे आराम से मुझे कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर एशियन शॉप ज़रा थोड़ी दूर है, तो फिर रोज़ रोज़ तो ये नहीं कि बाहर जाके गली के कोने में सब्जी वाला तो जल्दी से ले आओ, यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो बस ये भी से मैं कट करूँगी, तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खुदा का शुक्र है, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी होने वाले हैं 12:30, मैं बस अभी कपड़े चेंज करने लगी हूँ, मोजिस को लेने जाती हूँ, तो फिर आज की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आज मैं क्या करती हूँ। आज बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है, मैं बाहर आ गई हूँ, अभी बादल बने हुए हैं, हो सकता है थोड़ी देर में बारिश हो जाए, अभी कुछ कह नहीं सकते, बल्कि हल्की हल्की सी बारिश हो भी रही है, वीडियो में नज़र नहीं आ रही होगी, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। हाँ जी, तो मैं करती हूँ जल्दी से कपड़े चेंज, तो मोजिस को लेने चलते हैं, टाइम हो गया उसका, 10 मिनट रह गए हैं, तो बस मैं निकलती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दूर तो है नहीं है, करीब ही है किंडरगार्टन, तो चले जाके लेके आते हैं मोजिस को, तो फिर आपको भी मिलवाती हूँ मोजिस से, ठीक है? ले चलते हैं, तभी जल्दी से नीचे। हाँ जी, मोजिस अभी कहाँ जा रहा है? घर? घर जा रहा है मोजिस। चलो चले। मोजिस की शरारतें शुरू हो गई हैं, मस्ती है, शरारतें वो। हाँ बस अभी मैं ऐसे घर लेके जा रही हूँ, ये रास्ते में इतना ज़्यादा मुझे तंग करता है ना, कभी कहेगा कि मैंने फूल तोड़ने हैं, ये फूल तोड़ने लग जाता है, कभी कहेगा जिस तरफ घर है कहेगा उस तरफ नहीं जाना है, दूसरी साइड पे कहेगा मम्मा इस तरफ जाना है, बस ऐसे इसकी शरारतें चल रही होती हैं। तो मौसम बारिश का बना हुआ है, तो मैं ऐसे कही थी कि बस जल्द जल्दी चलो घर चलें, क्योंकि बारिश जो है किसी वक्त भी हो सकती है। और ये है कि जितनी ठंड थी, जैसे पहले मैं कहती थी बहुत सर्दी, बहुत शुक्र है खुदा का कि मौसम जो है थोड़ा प्लस में आया हुआ है ना, तो अच्छा लग रहा है, मौसम बना था बहुत अच्छा, आज बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ था आज। तो बस जी, मैं मौसम एंजॉय करते हुए मोजिस को घर लेके जा रही हूँ, और ये स्लो स्लो मैं इसलिए चलती हूँ क्योंकि वो बीच बीच में ना कहीं रुक के, तो उसकी कोई ना कोई उसकी जो है ना गेम बनी होती है, बस वो ऐसे ही करता है। तो आप लोग सब बताएं, सब कैसे हैं, सब ठीक ठाक है? हाँ, पाकिस्तान में अभी इस टाइम कराची में तो बहुत गर्मी पड़ रही है, मेरी बात हुई थी तो मेरे भाई जो है वो मतलब साउथ अफ्रीका से, वो अभी उस मतलब आज ही पहुंचा है वो ना कराची, तो वो गया था फैमिली से मिलने के लिए, तो वो बता रहा था कि बहुत गर्मी है यहाँ पर ना, क्योंकि साउथ अफ्रीका में तो खैर इस टाइम जो है अभी ठंड है वहाँ पर ना, तो मुझे बता वो कह रहा था कि बहुत गर्मी है। तो जाहिर बात है जो लोग ऐसे ठंडे इलाकों में रहते हैं तो उन्हें तो ज़रा सी भी गर्मी हो तो उन्हें ज़्यादा लगती है, हालांकि साउथ अफ्रीका में भी गर्मी पड़ती है, लेकिन यह है कि वहाँ की गर्मी में या जैसे जर्मन में गर्मी पड़ती है, यहाँ की गर्मी में भी बहुत फ़र्क है पाकिस्तान की गर्मी से ना। तो यहाँ बज रहे हैं शाम के 6 और मैं सॉरी 4, दिमाग जो है वो ख़राब हो तो अभी मैं बना रही थी शाम का खाना, मैंने आलू गोभी जो है वो मैं बना रही हूँ, वो मेरा पक रहा है ऊपर, तो ये जो है मैं आपको दिखाती हूँ बाहर से कि ये देखें बारिश जो है हुई है अभी, और अभी थोड़ी सी बारिश हुई थी तो अभी जो है वो बंद होगी दोबारा बारिश ना, हो रही थी बारिश, लेकिन शुक्र है जब मैं मोजिस को लेके आई हूँ उस वक्त बारिश नहीं हुई है, तो जब मैं उसे ले आई थी तो तब बारिश हुई है, ये देख सकते हैं आप, ये सारा गीला हुआ है, अभी हल्की हल्की सी हो रही है, तेज़ बारिश जो थी ना वो तो एक बार सही तेज़ बारिश हुई है, लेकिन उसके बाद अब हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत खूबसूरत। तो बस जी जनाब, अभी यहाँ पे मौसम ऐसा
शीशा है ना वो, इसलिए। तो उससे अभी काम सही चल रहे हैं, अभी मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, कपड़े भी साथ मेरे वॉश हो रहे हैं, खाना भी मेरा बन रहा है। मौजी यहाँ पे अपने कार्टून देख रहा है, और ये मैंने इसको कहा कि आप इधर बैठ के कार्टून देखो, तो बस उसको खाना वाना मैंने खिला दिया था, तो सालन भी मेरा बन चुका है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, खुश रहें, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें। खुदा हाफिज़।